Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देखिए ये आज ही नहीं, एग्जाम के जब से परिणाम आए हैं, एग्जाम हुए हैं तब से लगातार सवाल बच्चे भी उठा रहे हैं, पेरेंट्स भी उठा रहे हैं, हम सब लोग कह रहे हैं कि उन बच्चों के भविष्य के साथ न्याय किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है और जिस तरह से शिक्षा मंत्री उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं इससे ये दर्शा रहा है कि इस बात की गंभीरता को शायद न समझ रहा है या उनकी कोई मिली भगत है। लगातार हम लोग सड़कों में मुद्दे को उठा रहे हैं, आज पूरे देश उस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज शिक्षा मंत्री कहते कुछ हुआ ही नहीं, पटना में बच्चों ने कबूला है कि हाँ हमें पहले क्वेश्चन पर दिए गए हैं। गुजरात के कई सारे कोचिंग संस्थान पहले एडवांस दिए थे कि हम आपको सही क्वेश्चन की जानकारी देंगे, जांच क्यों नहीं हो रही है उसकी, क्यों नहीं एग्जाम गलत किया जा रहा है। तो ये चाहते हैं कि किसी तरह से टल जाएगा। 14 की रिजल्ट 4 को ला रहे थे कि जब परिणाम आएगा मोदी 400 पार हो जाएंगे, सब कुछ छुप जाएगा, लेकिन ऊपर वाले घर में देर है अंधेर नहीं है। अब जब तक उन बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा ये लड़ाई संघर्ष जारी रहेगी। आप लोग तो क्या वो शुतुरमुर्ग की तरह बालू में सर घुसा करके कह दो कि नहीं आंधी आई नहीं? एक बात बताइए, 720 में 720 नंबर आ रहे हैं, ऐसे बच्चों के आ रहे हैं जो 12th में फेल हो गया है, तो ये तो अपने आप में दर्शा रहा है कि कैसे टोट बनाना चाहते हैं हम। एम्स जैसे रैपिड संस्थान में अगर इस तरह के बच्चे जाएंगे तो उस संस्थान के रेपिड उसका क्या होगा? तो आप ये कह दो कि नहीं ये सेशन डिले हो जाएगा, इसके चक्कर में उन तमाम बच्चों ने जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, उन सभी पेरेंट्स ने जो अपने बच्चों को महंगे महंगे कुछ कोचिंग दिलाया है, 18-18 घंटे बच्चे पढ़े हैं, उसके साथ खिलवाड़ होगा। कई सारे ऐसे बच्चे कहते हैं कि मैंने 2 अटेम्प्ट दिया, 3rd अटेम्प्ट मेरी तैयारी थी, अब जो हमने पहले क्वेश्चन मिला हमें नंबर ठीक आ रहा था, बाद में कुछ हमारे नंबर ठीक नहीं आए। तो ये गड़बड़ियां को ठीक क्यों नहीं किया जाए, उनके भविष्य गर्त में क्यों डाला जाए? तो मुझे लगता है कि जिस तरह शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री का बयान बड़ा हास्यास्पद है, लेकिन हम इसको ऐसे होने नहीं देंगे। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं यहां पे? हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर एग्जाम में गड़बड़ी हुई जो हुई, अगर आप क्वेश्चन पेपर लीक हुए जो सबके सामने हैं, एग्जाम रद्द करो, एग्जाम कराओ। और उन सभी पेरेंट्स कह रहे हैं कि अब एक अटेम्प्ट दिला दो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये क्यों नहीं करा रहे हैं आप? एक महीने डिले होने के चक्कर में आप देश के लाखों बच्चों के साथ बच्चों खिलवाड़ कर देंगे आप। इसीलिए इस बात का प्रोटेस्ट आज हम रखें और लगातार तब तक जारी रहेगी। ये लड़ाई सड़क पे भी चलेगी, संसद में भी चलेगी और न्यायालय में भी चलेगी। एक दूसरा बड़ा मुद्दा पानी को लेकर आप लोग लगातार हरियाणा पे, हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बयान है, नायब सैनी का, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, 10 सालों में आपका शासन रहा, 10 साल में आपने सिस्टम ठीक नहीं किया, अपना सप्लाई व्यवस्था आपने दुरुस्त नहीं किया, सवाल खड़े करे दूसरे राज्य पे। उनका कहना था कि जितना पानी हरियाणा को देना चाहिए प्रचुर मात्रा में हरियाणा दे रहा है, सप्लाई कर रहा है। देखिए ये बड़ा हर बात को मैं राजनीति करना, हर बात में छोटी छोटी चीप अपनी पॉलिटिक्स को चमकाना ये ठीक नहीं है। ये सब तो आंकड़े हैं ना, जो पानी आ रहे थे पहले और जो पानी आज आ रहे हैं। हम तो उस कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पानी की क्वांटिटी को बढ़ाया जाए, क्या उसमें जवाब दें मुख्यमंत्री, क्या बढ़ाया गया? तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली वालों से नफरत इतनी ना करो कि लोगों को उनकी जान पे आ जाए। आज देखिए कई जगह जब हम अब जांच कर रहे थे तो पाइपलाइन को तोड़ने की शिकायतें आ रही हैं, हरियाणा से पानी की सप्लाई को कम किया जा रहा है, तो पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति का मतलब होता है कि अंतिम वेद को लोग सफर ना करें। अब हमसे लड़ रहे हो, लड़ो हमसे, लेकिन दिल्ली की जनता को परेशान क्यों कर रहे हो? ये अत्यंत मुझे लगता है हास्यास्पद है जिस तरह से मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं अपना। अब देखिए अश्विनी वैष्णव बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, उन्होंने तो आज से 4 साल पहले एक प्रेजेंटेशन सबको दिखाया था, कोई एक्सीडेंट ही नहीं होगा, लगातार एक्सीडेंट हो रहा है और संख्या बढ़ गई है। अभी आज से 1.5 साल पहले जब एक्सीडेंट हुआ तब भी उन्होंने कहा था कि हम 6 महीने में सब कुछ दुरुस्त कर देंगे, फिर कैसे हुआ? हम लोग कोई काम तो नहीं हो रहा है ना।
आज सबसे बुरी आप ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आप देखें, लोग आने जाने में रेलवे में है, आने जाने की दिक्कतें हैं, किसी तरह की सिक्योरिटी फीचर्स ठीक नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया सिवाय पोस्टरिंग के, सिवाय बड़ी बड़ी बातों के। तो केवल आपके फोटो खिंचा लेने से, सेल्फी लेने से ठीक नहीं होगा ना। तो मुझे लगता है कि या तो प्रधानमंत्री को रेल मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए, अगर वो नहीं ठीक कर पा रहे हैं, नहीं व्यवस्था दुरुस्त हो पा रही है, अगर सिक्योरिटी फीचर्स नहीं आ पा रही है, दुनिया में इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई, लेकिन आज हमारा ये ट्रेन एक्सीडेंट की संख्या में लगातार घटना बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो नाकामयाब है, उनको इसको भी इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा ले लेना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आज हर जगह केवल विज्ञापन प्रचार प्रसार के सिवाय काम नहीं हो रहा, और उसका हरियाणा जनता को भुगतना पड़ रहा है।